कि आर्थिक दृष्टि से शक्तिशाली होने से लोग उस शासन व्यवस्था को अपने अकॉर्डिंग बना लेते हैं। अतः राजनीतिक शक्ति जनसाधारण में निहित करने और जनसाधारण के हित में इसका प्रयोग करने के लिए आर्थिक सुरक्षा की व्यवस्था नितांत आवश्यक है। ये आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा कि जो पैसे वाले हैं वो अपने जो मनी जो कह सकते हैं कि पैसों के बल पे शासन व्यवस्था को अब हथिया लेते हैं। तो इसलिए जो लोक कल्याणकारी जो व्यवस्था है वो क्या करती है, आर्थिक सुरक्षा की व्यवस्था करती है। वो आर्थिक सुरक्षा की व्यवस्था के मद्देनज़र ये होता है कि इससे जो राजनीतिक शक्ति होती है, ठीक है ना, उसका भी जनसाधारण यानी सभी को उस राजनीतिक शक्ति का उपयोग हो सके। तो इस तरह की व्यवस्था है वो इसके माध्यम से लोक कल्याणकारी राज्य करना चाहेगा, जिससे क्या होगा कि ये आर्थिक सुरक्षा की अगर व्यवस्था की जाए तो इससे सभी लोग हैं वो राजनीति की जो स्वतंत्रता है, राजनीति की जो व्यवस्था है उसमें अपना योगदान देते हैं और राजनीति की व्यवस्था के द्वारा अपना विकास या उसमें भाग लेके यथासंभव प्रयास यानी अच्छा बनाने का प्रयास कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये आपको ध्यान रखना है कि आर्थिक सुरक्षा की व्यवस्था एक तरह से नितांत आवश्यक है लोकतांत्रिक ये कल्याणकारी राज्य में। तो इसके लिए क्या किया जाएगा कि आर्थिक सुरक्षा की दृष्टि से क्या करें, तो सबसे पहला है रोजगार की व्यवस्था करना। लोक कल्याणकारी राज्य आर्थिक सुरक्षा के तौर पे क्या करेगा, लोगों के लिए रोजगार जितना संभव हो रोजगार उन्हें दिलाने का प्रयास करेगा, ठीक है ना। यानी रोजगार उन लोगों के लिए काम करें, उसके लिए उनको क्या हो महत्वपूर्ण रूप में उनके लिए रोजगार के बहुत सारे अवसर उपलब्ध कराएगा, तभी वो राज्य है लोक कल्याणकारी राज्य कहलाता है। क्योंकि अगर लोगों के पास काम नहीं है तो वो गरीबी में गिर जाएंगे, तो इस तरह से वो राज्य है वो कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता है। तो आर्थिक सुरक्षा की दृष्टि का मतलब यही है कि लगभग सभी लोगों को रोजगार के लिए अवसर पर्याप्त रूप में मिले, रोजगार मिले उनको, तो रोजगार की व्यवस्था करना। इससे क्या होगा, आर्थिक सुरक्षा के तौर पे, आर्थिक क्षेत्र के तौर पे जो राज्य है उनके व्यक्ति सबल मजबूत हो सकते हैं। न्यूनतम जीवन स्तर की गारंटी, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये समझना है कि लोक कल्याण के राज्य के आर्थिक सुरक्षा को लेकर अगर वो कार्य करेगा तो उसके लक्षण क्या है, कि आर्थिक सुरक्षा के लिए वो क्या किस तरह के और प्रयास करेगा। तो ध्यान रखना, न्यूनतम जीवन स्तर की गारंटी यानी लोगों के लिए कि अगर कोई क्या बात करें यहाँ पे कि जो राज्य के अंदर जो लोग हैं यानी जो व्यक्ति को बात करें समाज के अंदर, तो वो जिस जीवन यापन कर रहे हैं तो अगर उनके लिए पर्याप्त रूप में साधन नहीं है तो वह राज्य के लिए भी क्या है, नुकसानदायक है। तो इसलिए राज्य ये प्रयास करेगा कि लोगों को न्यूनतम रूप में जो जीवन यापन के लिए साधन जरूरत होती है वह उन्हें उपलब्ध करवाएं। तो इसका मतलब न्यूनतम जीवन स्तर की गारंटी, ये गारंटी देगा लोक कल्याणकारी राज्य कि जो व्यक्ति को उनके जीवन के लिए न्यूनतम जो सुविधाएं उपलब्ध हैं वह उन्हें दी जाए। ये गारंटी के तौर पे लोक कल्याणकारी राज्य हैं वह उसके लक्षण को यहाँ पे प्रतीत कर रहा है, ठीक है ना। तो ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है क्योंकि लोक कल्याणकारी राज्य है वह लोक हित में ज़्यादा कार्य करेगा। तो ये यहाँ पे लक्षण के तौर पे देख रहे हैं। अधिकतम समानता की स्थापना, तीसरा यहाँ पे ठीक है ना। तो ये जो यहाँ पे आर्थिक सुरक्षा को लेकर जब बात कर रहे हैं कि लोक कल्याणकारी राज्य हैं उसके लक्षण क्या हैं, तो आर्थिक सुरक्षा, अब आर्थिक सुरक्षा में क्या है, तो ये जैसे मैं समझा रहा हूँ कंटिन्यू कि रोजगार की व्यवस्था करेगा राज्य, साथ ही साथ न्यूनतम जीवन स्तर की गारंटी कि लोक कल्याणकारी राज्य में अगर कोई व्यक्ति है तो उसको न्यूनतम रूप में जीवन के लिए जो आवश्यक रूप में संसाधन चाहिए वो उन्हें मिलते हैं, और ये दायित्व होता है लोक कल्याणकारी राज्य का, ठीक है ना। साथ ही साथ अधिकतम समानता की स्थापना, ठीक है ना। तो ये एक तरह से इम्पोर्टेंट है क्योंकि लोक कल्याणकारी राज्य ही ऐसा राज्य है जहाँ पर लोगों को इक्वली राइट्स दिए जाते हैं, हर क्षेत्र में हो, भले सामाजिक आर्थिक राजनीतिक किसी भी क्षेत्र से हो, उसको अधिकतम समानता उस राज्य में भी समानता स्थापित की जानी चाहिए, समान रूप से लोगों में समानता स्थापित हो। तो ये आर्थिक लक्षण के तौर पे ये तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखिए कि राजनीतिक सुरक्षा के तौर पे हम दूसरा पॉइंट यहाँ पे देख रहे हैं,
ठीक है ना। तो दूसरा लोक कल्याण का राज्य का लक्षण है राजनीतिक सुरक्षा। तो इसको यहाँ पे देखिए, राज्य द्वारा इस प्रकार की व्यवस्था की जानी चाहिए जिससे राजनीतिक शक्ति सभी व्यक्तियों में निहित हो और वे विवेक के आधार पर इस राजनीतिक शक्ति का प्रयोग कर सके, ठीक है ना। तो ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, ये कब संभव है, जब वो जो शासन व्यवस्था है वो कैसी होनी चाहिए, लोकतंत्रीय शासन, कैसा शासन होना चाहिए, लोकतंत्रीय शासन, ठीक है ना। राजनीतिक सुरक्षा का मतलब ये है कि राजनीति की जो जितनी भी गतिविधियाँ हैं उस, तो देखिए कि राजनीतिक सुरक्षा को, ये राजनीतिक सुरक्षा जैसे लोकतांत्रिक कह सकते हैं हम कि लोक कल्याण का राज्य के लक्षण की बात करें, तो दूसरा लक्षण है राजनीतिक सुरक्षा। अब राजनीतिक सुरक्षा किस तरह की होगी, तो इसमें ये समझना है कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था होना चाहिए। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में लोगों को अधिकतम रूप में राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त होती है, क्योंकि व्यक्ति अगर दूसरी व्यवस्था की बात करें तो उसमें राजनीतिक रूप में वह कभी भी सहयोग करने की और ध्यान ही नहीं देता है। तो ये लोक कल्याण का राज्य ऐसी व्यवस्था है जिसमें लोगों को राजनीतिक सुरक्षा मिलती है। राजनीतिक सुरक्षा को ध्यान में रखें तो जैसे इलेक्शन को लेकर हो, मतलब शासन व्यवस्था में वह अपना योगदान दे सकता है इलेक्शन के माध्यम से, वह अपने पक्ष से चुनाव लड़ सकता है। दूसरी बात करें कि मत देने का अधिकार, ठीक है ना। तो ये कब संभव है, जब व्यवस्था कैसी हो, लोकतांत्रिक लोक कल्याणकारी व्यवस्था, तो उसमें बिना भेदभाव के उसे ये अधिकार प्राप्त होता है, ठीक है ना। साथ ही साथ उसे किसी भी अवसर पर उसके साथ भेदभाव नहीं किया जाए राजनीतिक स्तर पर। तो ये जो सभी हैं वह संभव कब होते हैं, जब उसको राजनीतिक सुरक्षा प्राप्त हो, और यह कहाँ संभव है, लोक कल्याणकारी राज्य में। तो ये इसका लक्षण है कि नागरिक स्वतंत्रताएं मिलना उसको। ठीक है, ये दूसरा इसका हो गया कि राजनीतिक सुरक्षा की बात करें। तो दूसरा क्या है कि लोकतांत्रिक या लोक कल्याणकारी राज्य में वहाँ के जो लोगों को, व्यक्तियों को अधिकतम नागरिक होने के नाते स्वतंत्रता प्राप्त की या प्राप्त होनी चाहिए, ठीक है ना। तो इसमें देखिए, नागरिकों को विचार अभिव्यक्ति और राजनीतिक दलों के संगठन की स्वतंत्रता प्राप्त होनी चाहिए। इन स्वतंत्रताओं के अभाव में लोकहित की साधना नहीं हो सकती है, और लोकहित की अगर साधना नहीं है तो राज्य है वो लोक कल्याणकारी नहीं होगा। अब इसको ऐसी बात करें कि शरीर में अगर आत्मा नहीं है तो वो शरीर है, उसमें कोई गतिविधि या कोई एक्टिविटी नहीं होती है। तो ऐसे ही लोक कल्याणकारी राज्य होता है, अगर उसकी बात करें तो लोक कल्याणकारी राज्य वही है जिसके आत्मा के तौर पर बात करें तो उसका जो मूल जो गुण होगा वो क्या होगा, लोकहित, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना है। तो लोकहित कब होगा, जब वह राज्य लोगों के हित के लिए हर संभव काम करेगा। तो ये काम कब होगा, जब नागरिकों को पूर्ण नागरिक होने के नाते स्वतंत्रताएं मिलेगी, ठीक है ना। दूसरा देखिए, यहाँ पे ये बात करी है कि लक्षण के रूप में, तो आर्थिक सुरक्षा की बात हो गई, राजनीतिक सुरक्षा की बात हो गई। अब नेक्स्ट आगे देखिए, थर्ड पॉइंट हम यहाँ पे देखते हैं, थर्ड पॉइंट ध्यान रखना है कि लोक कल्याणकारी राज्य का लक्षण कि हम ये जो बात करें। तो तीसरा जो पॉइंट यहाँ पे पढ़ रहे हैं वो है सामाजिक सुरक्षा की भावना। ठीक है ना, ये एक तरह से लक्षण है लोक कल्याणकारी राज्य का। क्या लक्षण है कि वह लोग वहाँ के या उस जो राज्य में जो लोग हैं उनको सामाजिक तौर पे जो सुविधाएं उनको मिलनी चाहिए या जो सुरक्षा मिलनी चाहिए वह उन्हें उपलब्ध हो पाती है। तो ये लोक कल्याणकारी राज्य का एक लक्षण है। तो इसमें देखिए, सामाजिक सुरक्षा का तात्पर्य ये है कि सामाजिक समानता से या फिर इस सामाजिक समानता की स्थापना के लिए आवश्यक है कि धर्म, जाति, वंश, रंग, संपत्ति के आधार पर उत्पन्न भेदों का अंत करना, ठीक है ना, और साथ ही साथ व्यक्ति को व्यक्ति के रूप में महत्व प्रदान किया जाना। और जो जिस तरह की असमानता या रूढ़िवादी या जो कह सकते हैं कि अनेक जो क्रूरतियाँ हैं उसको समाप्त कर समाज में व्यक्ति को जो उसका जो महत्व है उसको प्रदान करने का कार्य है वह सामाजिक सुरक्षा के तहत ही हो सकता है।
क्योंकि इससे प्राचीन जो अलग अलग जिस तरह की शासन व्यवस्था थी उसमें व्यक्ति को बिल्कुल भी महत्व न दिया जाकर शासन में जो शासन व्यवस्था थी उसको ही वहाँ पे महत्व दिया जाता था। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि लोक कल्याणकारी राज्य का लक्षण ये है कि वह समाज को बेहतर बनाता है, समाज के लिए जो या यथासंभव जो कार्य करने होते हैं वह यहाँ पे लोक कल्याणकारी राज्य से अपेक्षा की जाती है। तो इसमें हम बात करें कि लोक कल्याण के राज्य के लक्षण की, तो सामाजिक सुरक्षा की भावना को देखें तो वह समाज में व्यक्ति को व्यक्ति का क्या महत्व है वह उन्हें दिलाने का प्रयास करता है। सामाजिक तौर पे या सामाजिक क्षेत्र में जो बाधाएं उनको उत्पन्न होती है, जो कमियां हैं समाज में, ठीक है ना, उसको दूर कर एक सामाजिक अवसर या सामाजिक वातावरण उत्पन्न या सामाजिक वातावरण बनाने का प्रयास करना, यह है सामाजिक सुरक्षा, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको ये समझना है सामाजिक सुरक्षा की व्यवस्था है वह लोक कल्याणकारी राज्य का एक लक्षण, यानी ये कार्य है वो प्रमुख रूप में या प्राथमिक रूप में करता है। नेक्स्ट देखिए फोर्थ, जैसे हम लक्षण की बात करें तो फोर्थ यहाँ पे हम देखते हैं राज्य के कार्य क्षेत्र में वृद्धि। तो इसको यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि राज्य अगर लोक कल्याणकारी नेचर स्वरूप को अपना के चलेगा तो इसके लिए ज़रूरी है कि राज्य अधिक से अधिक कार्य करे, या राज्य को और अधिक से अधिक कार्य करने के अवसर दिए जाने चाहिए। तभी वह क्या कर सकता है, राज्य के कार्य क्षेत्र में और वृद्धि कर सकता। मतलब ये है कि जैसे हमने पिछले जो चैप्टर थे उसमें बात की थी, तो लोक कल्याणकारी राज्य एक तरह से वह है जो अधिकतर या अधिकतम कार्य करे। अधिकतम कार्य का मतलब ये है कि वह जो कार्य करेगा उसमें वहाँ के लोगों को बाधा ना पहुँचे, ठीक है ना, यानी क्योंकि लोक कल्याणकारी राज्य है तो इस नाते वह अधिकतम कार्य करेगा। अधिकतम कार्य का मतलब यह है कि व्यक्ति के लिए जो कार्य होते हैं वह उनको उनके लिए पर्याप्त रहते हैं। इसके अलावा जो क्षेत्र बसते हैं वह सभी क्षेत्रों के कार्यों का संपादन है वह लोक कल्याणकारी राज्य करता है। तो इसलिए हम यहाँ पे बात करें कि राज्य के कार्य क्षेत्र में वृद्धि होगी, तो ये एक तरह से लक्षण हो गया, क्योंकि लोक कल्याणकारी राज्य के कार्यों का महत्व को बात करें तो उसका क्षेत्र भी धीरे धीरे बढ़ता है, क्योंकि उसका जो कार्य का जो क्षेत्र वह भी अलग अलग होता है। वह उनका उद्देश्य ही क्या होता है कि लोकहित, तो लोकहित के लिए वो जितना संभव हो उतने अलग अलग क्षेत्र में अच्छा करने का प्रयास करता है, तो उसका राज्य का कार्य क्षेत्र है वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है, वृद्धि होती है। तो उसको यहाँ पे देखें लोक कल्याणकारी राज्य का सिद्धांत व्यक्तिवादी विचार के विरुद्ध है, बिल्कुल यहाँ पे एकदम पॉइंटेड है, ये बात ध्यान में रखना है। क्योंकि व्यक्तिवादी जो विचार है वो क्या कहता है कि राज्य को कम से कम कार्य करने का अवसर देना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा कार्य कौन करे, व्यक्ति करे, तो व्यक्ति के ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, पूरी तरह से फ्रीडम। तो इस तरह से अगर व्यक्ति को पूर्ण फ्रीडम यानी कैसे स्वतंत्रता दी जाए तो वह राज्य के लिए नुकसानदायक है, ठीक है ना। तो इसी विचार या इसी कमी को दूर करने के लिए लोक कल्याणकारी विचार को अपनाया गया। लोक कल्याणकारी विचार का महत्व क्या है, लोकहित में कार्य करना। तो इसके लिए लोकहित के लिए वो जितना संभव हो उतने जो कार्य क्षेत्र है उसको कवर करेगा, उसमें कार्य करेगा। लेकिन इसके बस शर्त ये ध्यान रखना है कि लोक कल्याणकारी राज्य का जो कार्य क्षेत्र है वह उसमें कार्य करे, लेकिन इससे व्यक्ति की स्वतंत्रता है वो बाधित न हो, तो ये यहाँ पे ध्यान रखा जाता है। तो ये दो एक विपरीत विचारधारा हो गई, व्यक्तिवादी विचारधारा जो व्यक्तित्व को ज़्यादा महत्व देती है राज्य को नकारती है, जबकि जो यहाँ पे लोक कल्याणकारी राज्य की बात करें तो वो राज्य के ज़्यादा पक्ष की बात करता है और इस तरह से उसका उद्देश्य भी लोकहित में है। तो इस तरह से आगे देखना है कि राज्य के वे सभी कार्य करने यानी राज्य को वे सभी कार्य करने चाहिए जिसके करने से व्यक्ति की स्वतंत्रता
नष्ट या कम नहीं होती, ठीक है ना। तो इस तरह से व्यक्ति राज्य का क्षेत्र है वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है, लेकिन इसमें लोक कल्याणकारी राज्य होने के नाते वो ये जरूर ध्यान रखता है कि उसके कार्यों को करने से कहीं व्यक्ति की स्वतंत्रता नष्ट न हो या कम न हो, ये ध्यान रखा जाना चाहिए, क्योंकि व्यक्तिवादी विचारधारा के कुछ तत्व हैं वो लोक कल्याणकारी राज्य विचारधारा में भी मौजूद होते हैं। तो इस तरह से आपको ये ध्यान रखना है कि अधिकतम क्षेत्र में कार्यों का संपादन करेगी, ठीक है ना। तो ये जो गुण है, ये जो लक्षण है, वो लोक कल्याणकारी राज्य के ही है, क्योंकि वह जितना संभव उन अधिकतम क्षेत्र हैं वह उस क्षेत्रों में कार्य करेगी। लेकिन ये ध्यान रखेगी या ये ध्यान रखा जाएगा लोक कल्याणकारी राज्य के द्वारा कि उसके द्वारा जो कार्य किए जा रहे हैं उससे व्यक्ति की स्वतंत्रता को कमी या नष्ट होने का डर या नष्ट होने के डर हो, ऐसा कोई वो कार्य न करें। पांचवा पॉइंट है, जो अंतिम पॉइंट या लक्षण की हम बात करें, तो वह है अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की भावना। तो ये जो पॉइंट है, ये जो अंतिम है, ये इसकी बात करें हम लक्षण की, तो इसमें ध्यान रखना है कि वैज्ञानिक प्रगति तथा राजनीतिक चेतना के विकास ने विश्व के सभी देशों को एक दूसरे के इतना अधिक निकट ला दिया है, ठीक है ना, कि लोगों में जो वैज्ञानिक प्रगति, जिस तरह से वैज्ञानिक ये जो आधुनिक शरण चला है, ठीक है ना, तो इससे जो देश थे वो धीरे धीरे एक तरह से नज़दीक हो गए। ये ग्लोबलाइजेशन की जो व्यवस्था है वो यहाँ पर हुई है। तो सभी देशों को एक दूसरे के इतना निकट ला दिया है कि त्रस्त मानवता के बीच एक अकेला राज्य अपना जीवन सुखपूर्व व्यतीत नहीं कर सकता, ठीक है ना। जैसे पहले, बहुत समय पहले की बात करें, तो एक देश का या एक राज्य का दूसरे से संपर्क करना इतना इजी नहीं था जितना आज है। तो जो ये टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जो क्रांति हुई है, जो वैज्ञानिक प्रगति हुई है, इससे एक देश दूसरे देश के एकदम नज़दीक आ गया, यानी कह सकते एक ऐसी व्यवस्था उत्पन्न हो गई या ऐसी क्रांति हुई जिससे क्या हुआ, कम्युनिकेशन है तो बहुत फास्ट हो गया, ठीक है ना, और ग्लोबलाइजेशन की जो व्यवस्था है वो उत्पन्न हुई है। तो इस वजह या इस कारण से क्या होता है कि अगर एक क्षेत्र में या एक जगह पर अगर अशांति अव्यवस्था है, तो इससे क्या होगा, दूसरा जो सुखी या सुख पूर्ण जीवन व्यतीत कर रहा है उसको भी नुकसान होगा। मतलब यहाँ पे मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे दो परिवार की बात करें, ठीक है ना, जो एक तरह से दो देश हैं, तो पहले क्या थे, पहले इनमें संपर्क बहुत कम होता था क्योंकि वो इतनी मतलब कह सकते हैं आधुनिक डिजिटल का युग नहीं था। लेकिन वर्तमान की बात करें कि एक अगर राज्य एक परिवार में अगर कोई प्रॉब्लम है, ठीक है ना, या कोई इतनी पीड़ा वहाँ झेल रहा है, तो उसका प्रभाव पास वाले पर ज़रूर पड़ता है। क्यों पड़ता है, क्योंकि वो पास में परिवार रहता है, तो बस अगर वो सुखी हैं फिर भी इफेक्ट तो ज़रूर पड़ता है। तो इस तरह से यही हम बात कर रहे हैं कि ग्लोबलाइजेशन या कह सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की भावना इसलिए होनी चाहिए क्योंकि अगर एक दूसरे प्रभावित है तो इसका प्रभाव दूसरे पर ज़रूर पड़ता है, क्योंकि देश है वो एक दूसरे से ज़्यादा नज़दीक आ गए। तो इसलिए क्या है, एक दूसरे का सहयोग करना, ये जो भावना है, ठीक है ना, यहाँ पर हम बात करें वसुधैव कुटुंबकम की, तो इसका मतलब क्या होता है कि संपूर्ण जो विश्व है, संपूर्ण विश्व मेरा परिवार है। यही विचारधारा है वह लोक कल्याणकारी राज्य में पाई जाती है। तो इसी विचार को ध्यान में रखते हुए अगर ये जो लक्षण है वो हम समझें, तो ये एक तरह से पूरी तरह से डिफाइन कर पाते हैं लोक कल्याणकारी राज्य के। तो लोक कल्याणकारी राज्य तो वसुधैव कुटुंबकम यानी संपूर्ण विश्व मेरा परिवार है के विचार पर ही आधारित होता है। तो इस तरह से अगर कोई एक देश या एक परिवार में पीड़ा है, तो उसके सहयोग को या उसके लिए हेल्पफुल जो कार्य करेगा वह जो व्यवस्था है वो लोक कल्याणकारी ही होती है, क्योंकि वह एक पूरे परिवार यानी पूरा विश्व मेरा परिवार के विचार को लेकर चलती है।
तो इस तरह से हमने आज लोकल्याणकर राज्य की परिभाषा और लक्षण के बारे में पढ़ा है कि लोकल्याणकर राज्य होने के नाते उसके क्या क्या लक्षण होने चाहिए, ठीक है ना। तो नेक्स्ट हम लोकल्याणकर राज्य ये यूनिट है, इसका सेकंड पार्ट जब नेक्स्ट अगली वीडियो में हम जब पढ़ेंगे तो लोकल्याणकारी राज्य के कार्यों के बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि हम ये अब जो पढ़ा है वो इसके लक्षण के बारे में था। तो अब इससे संबंधित कोई भी डाउट है आप कॉलेज संपर्क कर सकते हैं, और ये जो हम पढ़ा रहा हूँ इस कुछ इंपॉर्टेंट लगे साथ साथ नोट करना है, ठीक है ना। तो पढ़ते रहिए, हैव अ नाइस डे।